इसी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं या इस तरीके के जो और हम चाहेंगे कि आप इस मैसेज को कन्वे करिए और आने वाले समय में हमारे बच्चे और जैसे अभी गेट में भी लेट आया तो हमारे तीन ऐसे छात्र हैं जिनको अंडर 200 रैंक आई है अलग अलग उसमें सिविल में और मैकेनिकल में इसी रैंक से तो बच्चे ना केवल प्लेसमेंट प्राइवेट नौकरी में जो है ये इसका बेसिकली श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो हमारा समूह है एवं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी द्वारा हर वर्ष की भांति जो हमारा कल्चरल फेस्ट होता है अभिव्यक्ति और अनुभूति उसका संचालन स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें सभी वर्ष के बच्चे और सभी कार्यक्रम के बच्चे एक साथ मिलकर बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम और इसके साथ साथ हमारा जो टेक फेस्ट है गंतव्य उसका भी संचालन किया जा रहा है जिसमें पूरे देश से जगह जगह से टीमें आई हैं। रोबोटिक्स जो है हमारा हमेशा से एक ऐसा डिपार्टमेंट रहा है जिसने देश में नहीं बल्कि विदेश में भी ख्याति प्राप्त की है। कभी भी देश में कहीं पे भी अगर रोबोट्स को लेकर किसी भी तरह की कभी कोई अगर प्रतियोगिता हुई है तो रामस्वरूप ने हमेशा उसमें परचम लहराया है। तो इसी तरह की भांति सभी तरह के कार्यक्रम इस कोरोना काल से निकलने के बाद पहली बार हम लोग हर साल की भांति इनका प्रायोजन किया जा रहा है। आपका इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में और यूपी में कहाँ पाते हैं? पूरे प्रदेश के 750 इंस्टीट्यूशन के अंदर टॉप 5 में आज 20-21 सालों से बने हुए हैं। इसी तरह से अगर हम विश्वविद्यालय देखें तो अभी हाल में ही हमने NAC की प्रक्रिया से हम लोग गुजरे हैं और एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया जो पूरे देश में मानी जाती है उसके द्वारा हमको 19% यूनिवर्सिटीज के बीच में अभी डाला गया है और हमने फिर से उस पर एक अपील दायर की जिसमें हम और ऊपर जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपके बच्चे कहाँ तक प्लेसमेंट पहुंचे हैं? जैसा कि अभी बार बार बताया गया हमारे जो हमेशा जो हमारी बैकबोन रही है जो हमारी मेरुदंड रही वो हमारी शिक्षा को लेकर ही रहा गया है और इसके साथ साथ जो सर्वांगीण विकास जिसकी सब लोग बात करते हैं वो इसी तरह के कार्यक्रम के द्वारा जो है हमारे स्टूडेंट्स अर्जित करते हैं। जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने भी बताया और वीना सिंह जी भी बता रही थी कि इन तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चों की एक जो और कलाएं होती है पढ़ाई के अलावा जो कलाएं होती है वो भी उभर के आती है और जिसकी वजह से और दूसरे विद्यालयों से बेहतर कर रहे हैं। आज 2 साल पहले का अगर मैं आपको एक रिकॉर्ड बताऊं जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं।